कैसी लगी? सर अच्छी थी, मैसेज अच्छा था कि जो गांधी के थॉट्स और जो गोडसे के थॉट्स है वो दोनों साथ में लेके आगे आगे चल सकते हैं, तो वही मूवी में बताया हुआ है एंड में। बहुत अच्छी एक्टिंग लगी है उनकी, उन्होंने लास्ट कश्मीर फाइल में भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी, तो आई थिंक ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए इनसे अच्छा अच्छा कोई एक्टर हो नहीं सकता था। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी। फोर। हेलो, कैसी लगी मूवी गांधी वर्सेस? अच्छी थी। क्या कुछ अच्छा लगा मूवी में? अहिंसा के बारे में जो विचारधारा है गांधी जी की, बहुत शानदार थी। क्या कुछ सीखने को था मूवी में? सीखने में यही था, मतलब अहिंसा, गांधी जी कहीं गलत नहीं थे और गॉडसे भी अपनी जगह सही था, बट गांधी जी ज़्यादा पावरफुल थे। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, सबसे इम्पोर्टेंट हाफ कौन सा था मूवी में? दोनों ही इम्पोर्टेंट थे। दोनों ही बराबर थे, दोनों एडिटिंग जबरदस्त था, जबरदस्त। और पाँच में से कितने स्टार्स? सॉरी, फाइव आउट ऑफ कितने स्टार्स? पाँच में से कितने स्टार्स हो? मैं तो पाँच में से पाँच देता हूँ। बहुत सा गांधी गोट से कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी, एक मैसेजिंग स्टोरी है और एक जो जिस तरीके का देश में माहौल था कि बायकॉट और ये सब, तो एक बार उन लोगों को देखना चाहिए फिल्म। एक मैसेजिंग स्टोरी है और बापू का स्थान, बापू का ही स्थान, राष्ट्रपिता का स्थान है, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ की गई है। गोडसे का पक्ष जरूर दिखाया गया, बट उस समय क्या हालात थे वो सारी चीज़ें इस फिल्म में, और एक हैप्पी एंडिंग है फिल्म, बहुत हेल्दी फिल्म है, सबको देखना चाहिए। राज साहब का तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है साहब, तो वो फिल्म आप देखिए, बहुत अल्टीमेट डायरेक्शन, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक छोटा सा कैरेक्टर मेरा भी है उसमें, रिफ्यूजी का, जो शुरू में दो तीन सीन्स हैं वो मैंने भी किया है, और राज साहब हैं तो फिर, और ARM साहब का म्यूज़िक है, तो ऑब्वियसली फाड़ू एक्टिंग है साहब, अल्टीमेट, मतलब बिल्कुल लगा कि सामने, एग्जैक्ट सामने रियल की गोट से। पाँच में से कितने स्टार देना? पाँच में से पाँच दूंगा सर मैं, फिल्म बहुत अच्छी है। सर कैसी लगी सर? बहुत अच्छी फिल्म थी। क्या कुछ ऐसी बात जो काफी? काम बहुत अच्छा था, रियल स्टोरी से परे थी फिल्म, दो लोगों के विचार थे, विचारों की लड़ाई दिखाई है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको, बहुत अच्छे से फिल्माया गया है, और एक ही जगह दोनों करेक्टर को बताया गया है, जो गोडसे को लोग नहीं जानते थे उनकी विचारधारा बताई गई है, वो किस विचार के थे, गांधी जी थे, सबका विकास सबका साथ वाले थे, और वो हिंदू तत्व की लड़ाई दिखाई है। गोडसे की एक्टिंग बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा काम किया। पिक्चर में क्या कुछ ऐसी थी बातें जो सीखने को, हमारे यंगस्टर्स को सीखने की? यंगस्टर को ये था, वो विचारों का झगड़ा है उनका अपना, वो एक हिंदू तत्व का विचार था उनका, सबका साथ सबका विकास था, जो मैंने बोला आपको वो था। फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से बनाया है, कहानी वो नहीं है पर वो उसको समझाया गया, गोडसे करेक्टर क्या था, गोडसे की सोच क्या रही थी वो टाइम पर। पिक्चर का क्लाइमैक्स बहुत बेहतरीन था, क्लाइमैक्स दो तीन चार बार बताया गया, जो उनका बातचीत बताई गई वो बहुत अच्छी बातचीत थी। फोर स्टार। जो पिक्चर था, जो मतलब जो एंड करना चाहिए था वो एंड हुआ नहीं है, जो हिसाब से उन्होंने एंड करना चाहिए था तो उन्होंने हैप्पी एंडिंग के तरफ से एंड किया है, पर जो एंड होना चाहिए वो हुआ नहीं। पर पिक्चर में जो जो किरदार है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अच्छी बात क्या लगी मूवी में? अगर कुछ सीखने को था एज अ यंगस्टर? एज अ यंगस्टर आप सीखना चाहते हो तो उन्होंने ऐसा सीखा है कि अहिंसा, मतलब जो गांधी का है, जो अहिंसा करना नहीं चाहिए वो दिखाया गया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, कि अहिंसा से नहीं, मतलब जो अपन शांत दिमाग से भी कर सकते हैं ऐसा काम जो अहिंसा से नहीं होता है, वैसा वैसा उन्होंने दिखाया। उनकी एक्टिंग तो बहुत मस्त है, जो है मराठी एक्टर है चिन्मय मांडलेकर, उनकी एक्टिंग तो बहुत, मतलब बहुत मस्त हुई है। एडिटिंग लेवल जिस तरह के, डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन वगैरह सब मस्त है, खाली क्या हुआ जो बीच बीच में जो सीन थे, जैसे गांधी जी ने कुछ मतलब अलग अलग जो बोले कि प्यार करना, या और अलग अलग जो अहिंसा और वो सब जो थे वो थोड़ा गलत गलत दिखे, बाकी मूवी बहुत सही है। मतलब फोर, मतलब एज कोई, एज अ हिस्ट्री कोई देखना चाहता है तो हिस्ट्री के हिसाब से नहीं है वो, एज अ रियलिटी वो लोग दिखाना चाहते हैं, जो है मतलब आज के इसमें जो चल रहा है वो दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। मूवी को लेके, मूवी तो अच्छी है, बट स्टार्टिंग में जो दिखाया गया कि जैसे इतिहास में वैसे ही दिखाया गया, बट एट दी एंड थोड़ा अलग लगा कि ऐसे इतिहास तो कभी पढ़ा नहीं था, तो सब डिफरेंट लगा थोड़ा एंड में। गोडसे की एक्टिंग, चिन्मय जी की एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है, सबकी अच्छी है एक्चुअली एक्टिंग। मूवी में एज एन यंगस्टर्स क्या कुछ है सीखने की जैसा?
सीखने जैसा तो बहुत कुछ है। इसको मूवी में किसी को गलत नहीं दिखाया, ना गांधी को गलत दिखाया, ना गोडसे को गलत दिखाया, सबको न्यूट्रल रखा है। डायरेक्शन वाइज कैसी है मूवी? डायरेक्शन राइटिंग सब अच्छा है। राइटिंग स्किल्स, स्क्रिप्ट पूरा ऑन परफेक्ट थी। हां सर। और क्लाइमेक्स कैसा लगा मूवी का? क्लाइमेक्स ठीक था, मतलब वैसे। हां, 5 में से कितने स्टार्स दोगे? 5 में से 3.5 और 4। 4 एक स्टार आप काट रहे हो, वो किसके लिए? अगर मैं कुछ जानना चाहूं, मतलब जैसे मैं हिस्ट्री सीखा हूँ बचपन से स्कूल, वैसे तो नहीं लगी मेरे को, स्टार्टिंग में लगी पर एंड में थोड़ा डिफरेंट लगा। ऐसे क्या लगा आपको डिफरेंट मूवी में? मतलब गांधी, अपना गोडसे ने गांधी जी को बचाया था, ऐसे तो कभी मैंने पढ़ा नहीं था। yes. तो वो डिफरेंट लगा। कैसी लगी मूवी? मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगेगी, बट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ किया गया इन लोग ने। क्योंकि मैंने स्कूल टाइम से सुना है कि गांधी को गोडसे ने मारा, बट यहाँ पे मूवी में दिखाया गया है कि स्पॉइलर ही है, बट यहाँ पे बचाया है गोडसे ने गांधी को, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मूवी है, क्योंकि तो टाइम जोन की बात कर रहे हैं इन लोग, मैंने कभी सुना ही नहीं है सब चीज़ें, और एक्टिंग वगैरह सब अच्छी है, बट मैं बोलूँगा कि इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कैसा है कि पहला गांधी का पकड़ा भारी दिखा है, फिर गोडसे का पकड़ा भारी दिखा है, तो दोनों को संभालते संभालते भूमि की पूरी इन लोग ने ये की है। पिक्चर में दो अलग थॉट प्रोसेस दिखाया। हाँ, हमें कहते हैं विचारधारा। हाँ, आपको किसकी विचार अच्छे लगे, गांधी की या गोडसे की? देखिए, ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा। देखिए, दोनों अपने अपनी जगह ग्रेट है, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। गांधी जी ने बुरे काम नहीं किया, ऐसे मैं बोलूँगा, अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने, बट कभी कभी क्या होता है कि अच्छे डिसीजन भी होते हैं तो फिर किसी के लिए ये हो जाता है ना, किसी के लिए बायस हो जाता है वो, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट लगा मूवी का मुझे।